आज मेरे चैनल पे एक ऐसे पुट्टे वाले भैया के बारे में जानेंगे जो लगभग 700-800 रुपए के समथिंग का सामान लेके आते हैं और पर डे लगभग 1200-1400-1500 रुपए तक का सेलिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। तो दोस्तों, फिलहाल में आज है 2 तारीख, और रोटी बनाया भाई। देखो, रात को ना रोटी छिलका रोटी मेरे को ज्यादा पसंद है, तो मम्मी छिलका रोटी ज्यादा बना रही थी। ये मैं छिलका रोटी और ये मीठा चटनी, जो कि मीठा चटनी मेरे लिए ही बना था क्योंकि मीठा चटनी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो नहीं, कड़ी नहीं, कड़ी नहीं चाहिए अपने को। तो चलिए अपन पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं चला जाता हूँ किराना दुकान से सामान लेने के लिए। मेरी PMW देखिए पीछे में, सॉरी बाहर में खड़ी है। और हमारे भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही खुश थे भाभी से बात करने के बाद। हमारे भाई साहब का तो स्माइल ही कम नहीं हो रहा था। और मम्मी सब्जी मंगाई थी कल बरबट्टी, लेकिन बना रही है आज। फिलहाल मैं गाँव में किराना दुकान सामान वगैरह लेने थे, तो कल के लिए सामान मैं आज ही निकलवा ले रहा हूँ। आधा से ज्यादा सामान निकल गया है मेरा। फिर निकलते हैं अब, थोड़ा हम लोग मार्केट की तरफ घूम फिर लेते हैं। किराना दुकान वगैरह से मैंने सामान लिया है और सामान लगभग 900 रुपये के आसपास का सामान आया है भाई। चलो भाई थोड़ा घुमाई फिराई कर लेते हैं। तो गाइस, ये फिलहाल में पूरा 1.5 मिनट लगता है भाई, ऊपर से जितने भी है ना ये बजे तो पूरे के पूरे नीचे आने में काफ़ी यूनिक है भाई। तो मम्मी यहाँ बैठी अपने नाखून खून काट रहे हैं और इधर भाई साहब आज भारी खुश थे, भाभी से बात करने के बाद तो कुछ ज्यादा ही स्माइल आ रहा था। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ऑडियंस को सुनना चाहते थे। क्या सुनना चाहती हैं? मतलब भाई साहब दिखते नहीं है, भाई साहब खुश, मतलब मेरे को ज्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। पक्का ना? पक्का और कच्चा क्या होता है, नहीं है पसंद बना। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा घूम फिर लेते हैं भाई। 2 दिन तो ऐसे निकल गया, आज तो मैं दिन में पूरा घर में ना बैठ के रेस्ट ही करता रह गया। चल मैं एक्साइटेड हूं। तो पूरे दिन घर में आराम करने के बाद और दोस्तों आज फाइनली मेरे 365 दिन में 365 ब्लॉग भी कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर निकल गया मैं शाम को एक भुट्टा वाले भैया का ब्लॉग बनाने के लिए, उनकी जर्नी जानने के लिए। टोटली ना भैया का सामान खत्म हो गया, मैं हूँ एक भुट्टा वाले भैया के पास। मैं क्या सोचा ना, एक भुट्टा वाले भाई साहब ने आज उनका वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना इनका टोटली सामान फिनिश हो गया है। थोड़े बड़े बच्चे कुछ में तो छटा हुआ सामान देख ले रहे हैं, जो फ्रेश होगा उसको निकालेंगे, बाकी सामान लगभग इनका बोरा में से ना पूरा का पूरा छट चुका है। कैसे बड़े भैया, कितना लगभग कितना मक्का लेके आते होंगे आप? 70-80 किलो। लगभग 70-80 किलो के आसपास रहता है। कितना, कैसे रुपये किलो भैया? मतलब कितना पीस निकल जाता है 70-80 किलो में? कितना किलो निकल जाता है, कितना पीस लगभग? मतलब 100-120 पीस, ठीक है। और लगभग कैसे रुपए किलो पड़ता है? एक पीस आपको कितना पड़ जाता है? 5 रुपये, भूज के 10 रुपये। मतलब 5 रुपये पड़ जाता है और भूज के 10 रुपये। मतलब टोटली आपका कमाई लगभग कितने तक का हो जाता है? 500-600, मतलब 500 रुपये बच जाता है ना। बस यार पर्याप्त है भाई इतना। तो भैया पूरे दिन ना बैठ के यहाँ पर उसमें फुट्टा बेचते हैं। एक भैया और हैं, उनसे जान पहचाने भैया, मेरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से जान नहीं रहे, तो मैं उनके पास ही आया था। मैं सोचा आज उनका थोड़ा वीडियो बना लूँगा, लेकिन वो है ही नहीं। और इनका सामान पूरा छट गया है, बस ये ना गाय वगैरह के डालने के लिए बस पूरा छट आ चुका है। ये पूरा छट आ गया है ना, ये तो पूरा गाय खाएगा। अच्छा, इसमें से देख रहे हैं जो छिलाया नहीं है उसमें, कि किसी में बीजा वाला हो तो, है ना? एक तो, हाँ एक तो निकला। मतलब आप लगभग 80 किलो के आसपास आते हैं, लेके आते हैं, तो टोटली कितना कितना लग जाता है पैसा? 750 रुपये लग जाता है। और बेच के लगभग 12-13, मतलब 1500 भी लगभग टोटली टोटली, है ना? हाँ। तो देखो भाई, अभी ना बरसात का दिन आ रहा है, अगर आप लोग चाहोगे ना तो आप लोग भुट्टा का काम भी कर सकते हैं भाई। अगर इसको करना है कोई जबरदस्ती नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मेरा काम था दिखाना, मैं सोचा एक घुटते वाले भैया हैं काफ़ी अच्छे जान पहचान के, तो उनके पास जाकर वीडियो बना लूँगा, लेकिन वो है ही नहीं। उनके छोटे भाई, आप छोटे की बड़े हैं उनसे? छोटे। अरे छोटे भाई साहब, तो मैं सोचा इनका ही वीडियो बना लेता हूँ आज।
हाय करो हाय। क्या खाने आए हो आप? भुट्टा खाने आए हो? तो आपके लिए भुट्टा भुजा रहा है, भुट्टा खा के जाना, ठीक है? क्या नाम है आपका? भाविक अग्रवाल। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? कौन से क्लास में हो? सेकंड में हो। और ये लोग बड़े वाले भाई साहब आ गए, कैसे? मैं सोचा आपका वीडियो लो भाई, तो भैया भुट्टा भुजना चालू कर दिए हैं। अरे अपना अपना नाम बता दो यार, नहीं तो लोग बाद में पूछेंगे भैया नाम ही नहीं बताया अपना। सोनू कसेरा। हाँ, भैया का नाम सोनू कसेरा है। काफ़ी बेस्ट काम है भाई बरसात के दिन में, अगर आप लोग देखो भाई काफ़ी बेस्ट काम है, अगर आप लोग चाहो ना तो बरसात के दिन में कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। मेरा काम है बताना, मैं बता दिया, ठीक है? फूटना ना, मकई का फुट्टा फूटना चालू हो गया है। ये जा, कुछ कर। मेरा कहना तो भाई ये पाव महंगा लो भाई, राटन क्यों डाल रहे हो, है कि नहीं?